डॉक्टर यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी सोलन के पर्यावरण विज्ञान विभाग ने फल सब्जी व औषधीय पौधे सुखाने के लिए सोलर ड्रायर मशीन विकसित की है। फल सब्जी व औषधीय पौधे सुखाने के लिए ये ड्राई मशीन विशेष रूप से विकसित की गई है। सौर ऊर्जा से चलने वाली इस मशीन में दो पार्ट्स लगाए गए हैं, जिसमें पहले पार्ट में पंखों द्वारा सूर्य की किरणों से हवा को गर्म किया जाता है और दूसरे पार्ट तक इस गर्म हवा को पहुंचाया जाता है और पंखों की ही सहायता से सुखाए जाने वाले फलों व सब्जियों की नमी को मशीन से बाहर किया जाता है। इसकी लागत करीब 40,000 के आसपास रहेगी। जल्द ही इसके डेमोंस्ट्रेशन हिमाचल के साथ साथ उत्तराखंड में भी किया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान व बागवान इसका लाभ ले सकें। ये जो सोलर ड्रायर सिस्टम विभाग ने विकसित किया है, इससे लोग अपने आप भी अपने क्षेत्र में लगा सकते हैं और इसकी कॉस्ट करीब 40,000 के आसपास रहेगी और जल्द ही इसका डेमोंस्ट्रेशन भी किया जाएगा। ये सोलर ड्रायर एक इस ऐसा यंत्र है जिसमें फल सब्जी और मेडिसिन प्लांट्स इनको सुखाया जा सकता है। आमतौर पर फल सब्जी सुखाने की जो विधि है वो खुली धूप में सुखाने की विधि है। उसमें क्या होता है कि कई बार कीटाणु धूल मिट्टी और बंदर जंगली जानवर का डर रहता है, तथा बारिश के मौसम में जो किसान है उसको अंदर और बाहर ले जाने के भी काम करना पड़ता है। इस यंत्र में दो भाग हैं। एक भाग में हवा गर्म होती है और उस हवा को, गर्म हवा को दूसरे पदार्थ वाले चैम्बर में ले जाता है, जहां पे पदार्थ को सुखाने के बाद उस नमी को पंखे द्वारा बाहर निकाला जाता है। इसमें एक और व्यवस्था की गई है कि जैसे फल सब्जियों के लिए अलग अलग तरह के तापमान की जरूरत होती है, इस यंत्र में हमने उस सुविधा को दिया है जिससे कि हर फसल के लिए एक तापमान को फिक्स कर देते हैं। जब वो तापमान बढ़ता है तो ये सेंस करता है, सेंस करने से पंखा चल पड़ता है, पंखे चलने से तापमान में कमी आ जाती है। तो इससे क्या होता है कि जो फसल है हमारी वो खराब नहीं होती है और उसकी जो गुणवत्ता है वो बनी रहती है और इसका जो बाजार में जो उसका सही जो मूल्य है वो अधिक मिलता है।